हर्षित हर्षित जी आ गया है, अभी ये पूजा करेगा इसका। फैमिली गाइस देख सकते हैं, पचमुखी मंदिर है पूरा, यहाँ पे जबरदस्त सीन है, नाइट का सीन है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं अभी दो दिन से ब्लॉगिंग नहीं डाल रहा था, तो अभी मैं फाइनली एक ऐसा मंदिर में आया हूँ जो कि आप लोग शायद जानते हैं अगर पूर्णिया से ही होंगे। तो मैं फाइनली पद्मुखी मंदिर आया हुआ हूँ, पीछे में देख सकते हैं मेरा सीन, रात का सीन है, लेकिन होते मैं रात में ही आप लोग को ब्लॉग दिखा दूँ, और रात में कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिखता है क्योंकि रात में कोई ब्लॉगिंग किया नहीं है, इसीलिए मैं सोचा रात में ही कर लेते हैं। आपको पीछे कैमरे से दिखाता हूँ यहाँ का पूरा लोकेशन, बस ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। पहले गाइस देख सकते हैं मेरे पीछे मंदिर में हम हैं, यहाँ पे घंटी उंटी पूरा देख सकते हैं। आगे से रोड है जो कि यहाँ पे मेरा वॉइस में मेरा कुछ प्रॉब्लम आती होगी, यहाँ देख सकते हैं आगे से, इधर का सीन देख सकते हैं पूरा अंदर से पूरा, हम आगे पीछे में यहाँ पूजा उजा हो रहा है देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अंदर में आके यहाँ पे तो आप लोग को दिखा देते हैं, यहाँ में आए हुए थे कोई काम से आया हुआ था, और इधर देख सकते हैं इधर कुआँ है एक छोटा सा, और इधर वही हर्षित है मेरा दोस्त, आप लोग जानते ही हैं। इधर थोड़ा जाके आप लोग को दिखाते हैं अंदर से, अब तो अंधेरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। इधर तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे एक छोटा सा मूर्ति लगा हुआ है, इधर खंड बाय खंड मूर्ति लगा हुआ है। अब मैं थोड़ा आप लोग को पीछे के वाला कैमरा से भी दिखा देते हैं, लेकिन अभी थोड़ा इधर का पूरा सीन बाकी है। ये पीछे में एक पचमुखी मंदिर का ये लगा हुआ है देख सकते हैं, और अगर ऊपर की बात किया जाए तो ऊपर में इस प्रकार का सीन है। अभी यहाँ पे हर्षित कुछ पूजा वूजा करने वाला है, दर्शन करने वाला, बताएगा आप लोगों को। कंटिन्यू बस ब्लॉग में बने रहना है, बस अभी हर्षित आ गया है देख सकते हैं यहाँ पे। हाय फ्रेंड्स, हर्षित भी आ गया है, अभी ये पूजा करेगा, इसका जो भी होगा वो पूरा ब्लॉगिंग आप लोगों को देख रहा हूँ। कंटिन्यू बस आप लोग कनेक्ट रहिए। फाइनली हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ देख सकते हैं ये फोटो है कुछ इस प्रकार का, आएगा पूजा करेगा बकरो हर्षित। चलते हैं आगे, ये मंदिर, ये कौन मंदिर है? ये शंकर भगवान का मंदिर है, आप देख सकते हैं यहाँ भी अपना पूरा नमस्कार कर दिया, और ऊपर में इधर पार्वती जी का मंदिर है जो कि अभी द्वार बंद है। कुछ शाम हम लोग बहुत ज़्यादा हो गया था, शाम में हम लोग आए थे, लेट हो गया था, और इधर भी छोटा सा छोटा खंड सब मूर्ति का बना हुआ है। ये कौन है? ऊपर चले देख सकते हैं, जो भी बस आप क्या फाइनल देख सकते हैं, ये सब मूर्ति आप तेरे यहाँ पे देख सकते हैं। ये मूर्ति के बारे में पता है तुमको? ये काली भगवान है, काली माँ, ये काली भगवान जो मूर्ति पता है क्या? और इसके बारे में बताओ ये कौन सा मूर्ति है? ये दुर्गा माँ है, दुर्गा माँ है। और इधर आ जाओ, बता दे तेरे सबका नाम। ये लक्ष्मी भगवान, ये रहा मंदिर का, कुछ इस प्रकार का मंदिर है यहाँ का। कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ के मंदिर का, बहुत अच्छी तरीक़ा से यहाँ का मतलब बनाया गया है, कटिंग किया गया है इस मंदिर का, बहुत पुराना मंदिर है यहाँ पे। जहाँ तक हो सके हम मंदिर को पूरा आप लोग को दिखाने का कोशिश किए, बस आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, अभी और इधर उधर देखा। जैसे कि गाइस आप लोग को पता है कि अभी आप लोग पूरा दिखा ही दिए मंदिर के अंदर में जाके, क्योंकि मंदिर के अंदर में इतना डीपली कोई शायद नहीं दिखाया था पूर्णिया का या पचमुखी मंदिर का सीन, तो हम सोचे दिखा देते हैं, लेकिन नाइट के वजह से कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाए, वैसे कोई बात नहीं है, जहाँ तक हो पाए हम दिखाएँ। यहाँ पे कुआँ के पास हम आ गए हैं, अब ये ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है, अब हम लोग आप लोग से मिलते हैं कोई न्यू ब्लॉग में, अच्छी तरीके से कोई न्यू ब्लॉग बनाएंगे यहाँ पे आके दिन में, जो कि आप लोग को सही से मतलब समझ में आएगा क्या है नहीं है, लोकेशन भी यहाँ का बताएंगे। देख सकते हैं ये रोड जो है कि लाइन बाज़ार की ओर जाता है, लाइन बाज़ार चौक की तरफ, और इधर चले जाता है ये रोड सीधे इधर मतलब गिरजा चौक की तरफ चले जाता है। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं, मिलते हैं कोई न्यू ब्लॉग में, तब तक लेते हैं बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक हम रखते हैं 100 लाइक कर दीजिएगा, बाय बाय, कमेंट करें।
यहाँ पे लगता है।